वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम 2023 के लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर आया था मेमोरी बेस्ट आप जानते हैं क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू एक अलग टाइप है जो पिछले तीन चार साल से आ रहा है और इसकी शुरुआत आर ने की थी फिर SBI PO और IBPS PO में इसको फॉलो किया गया मैं बार-बार कहता हूँ, एडवांस मैथ और उसमें भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस SBI PO के मेंस में और IBPS PO के मेंस में आते हैं ये सिर्फ SSC CGL का नहीं है आज RBI के इन टू क्वेश्चंस पर मैं बात कर रहा हूं जो जेब्रा से आए स्पेशली क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से और अच्छे स्तर के क्वेश्चन मज़ा आएगा आराम से आप बना पाएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरी तरह से हर स्टूडेंट को समझ में आएगा शानदार क्वेश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की ऐप सर मैथ दिखता है पर ये ऑफर चल रहा है 50 परसेंट प्लस 20 परसेंट प्लस डबल वैलिडिटी लेकिन ये आज तक ही है और ये डिफरेंट कोर्सेज पर है डिफरेंट कोर्सेस पर हैं हाँ जो सुपर मेगा क्लास हुआ था ट्वेल्व आवर्स का एस SI आई और सी आई पर इसको जरूर देखिए बारह घंटे का दोनों चैप्टर खत्म सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से और कंपाउंड में भी एक बड़ा भाग जो भी क्लासेस हो रहे हैं इनका पी डी एफ यूट्यूब के वीडियो का लाइव क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है अमृतसर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन इससे डाउनलोड कीजिए प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू एक अलग तरह का क्वेश्चन है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को पूछने का इन द गिवन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आए टू क्वांटिटीज आर गिवन वन एज क्वांटिटी वन एंड अनदर एज क्वांटिटी टू व टू डिटरमेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वान्टिटीज एंड चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन इंग्लिश हिंदी दोनों में है सब को समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं आइए तो पहला सवाल आपके सामने है क्वांटिटी वन वैल्यू ऑफ एक्स और द इक्वेशन जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वही क्वान्टिटी वन है और क्वांटिटी टू वैल्यू ऑफ वाई फॉर इक्वेशन यानी इक्वेशन से वाई का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज क्वांटिटी टू और फिर आपको रिलेशनशिप बताने हैं क्वांटिटी वन मीन्स एक्स का वैल्यू और क्वांटिटी टू मीन्स वाई का वैल्यू और आपको बताना है वेदर क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू ऑप्शन इज ए क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू ऑप्शन बी क्वांटिटी वन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी टू दैट इज ऑप्शन सी क्वांटिटी वन इज लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी टू ऑप्शन डी एंड क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू और नो रिलेशन आउट ऑफ दीज एक्ट तो चले क्वांटिटी वन पर आते हैं ये जो क्वांटिटी वन है इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए पी टू द पावर एक्स है और एक स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो एक ही वैल्यू होता है और उसका पावर टू है और उसी तरह से पी टू दावर फोर एंड पी टू दावर सिक्सटीन स्क्वायर रूट जल्दी बताइए इसका मैंने क्या है पी टू दावर एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल और यहां पर होता है पी टू दावर फोर बाई द पावर सिक्सटीन बाई टू दैट मीन्स की पी टू दावर फोर बाई

अब चलते हैं क्वांटिटी टू दैट मीन्स वाई का वैल्यू ठीक है क्वांटिटी टू में क्या कहता है क्वांटिटी टू नहीं क्वांटिटी वन का मतलब क्वांटिटी वन हम लोग दरअसल ऐसा है ये ये कहता है कि क्वांटिटी वन मींस एक्स ठीक है ये और इस इक्वेशन में जो एक्स का वैल्यू आएगा वो और क्वांटिटी टू का मतलब हुआ इज इक्वल टू वाई वाई का जो वैल्यू आएगा तो देखिए क्या है वाई टू द पावर फोर स्क्वायर रूट ठीक है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स जरा गौर कीजिए गौर कीजिए और स्क्वायर रूट दैट मींस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब पर हम ये जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर यानी हमें क्या दिख रहा है क्वांटिटी 1 वन और क्वांटिटी टू इसमें क्या रिलेशन से पा रहा है इसका मतलब है एक्स और एक्स का वैल्यू आया है माइनस फोर इसका मतलब है वाई वाई का वैल्यू आया है प्लस माइनस फोर यानी कि वन इज लेस देन टू लेस देन और इक्वल टू टू माइनस फोर अगर हुआ तो इक्वल है अदरवाइज क्वांटिटी टू बड़ा है बोली क्वांटिटी वन इज आइदर इक्वल टू क्वांटिटी टू और लेस देन क्वांटिटी टू क्लियर यही था फर्स्ट क्वेश्चन बोली आराम से आप बना सकते हैं या नहीं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आई ये तो समझ गए क्वांटिटी वन इज लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी टू second question given that given that iske liye p is greater than 1 1 is greater than q q is greater than 0 ye sabon ke liye hai aur tab quantity 1 ye hai aur quantity 2 ye ye baat hai ye relationship sirf sabon ke liye to quantity 1 mein iska value ठीक है और ये हम देखेंगे जो relationship दिया हुआ है चलिए इसको लिखते हैं गिवन दैट ये रिलेशनशिप लिख लेते p इज ग्रेटर देन वन विच इज ग्रेटर देन क्यू विच इज ग्रेटर देन जीरो अब क्वांटिटी वन का जहां तक सवाल है वो क्या दिया हुआ है दिया है पी क्यू माइनस क्यू क्यू फाइव पी माइनस क्यू माइनस थ्री पी क्यू और ब्रैकेट पे है ठीक है कोई बात नहीं तो इसका वैल्यू निकालते हैं ठीक है या आप जानते हैं कि ये p- माइनस क्यू होता है इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर होता है आपको पता है और ये p- माइनस क्यू है तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे इसके वैल्यू को डायरेक्ट ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या है माइनस थ्री पी क्यू जल्दी बताइए तो हम क्या देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर होगा ना माइनस थ्री पी क्यू और प्लस पी क्यू इसका मतलब हुआ पी माइनस क्यू होल स्क्वायर जल्दी बोली क्वांटिटी वन का वैल्यू निकला पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है ये कि विच इज टर देन और इक्वल टू जीरो क्योंकि स्क्वायर किसी नंबर का कभी नेगेटिव नहीं होता तो आइदर जीरो और ग्रेटर दिन जीरो बट 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 पी इज नॉट इक्वल टू क्यू जरा देखिए पी इज ग्रेटर देन वन एंड क्यू इज लेस देन वन सो पी इज नॉट इक्वल टू क्यू इसका मतलब ये हुआ पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इसका जो चांस बनता था या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो यह बताता है यह बताता है कि पी माइनस क्यू ये जो वैल्यू दिख रहा है जो निकल रहा है होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो इसलिए क्वान्टिटी वन क्वान्टिटी वन ये क्या हुआ ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टी ग्रेटर देन जीरो नॉट लेस देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टी Greater than zero. That means quantity one is a positive quantity. A positive quantity. अब आइए दूसरे पेज में करते हैं Quantity two. Quantity two. ये क्या है Quantity two है one minus one by two. लेकिन आप जरा गौर कीजिए हमें दिया हुआ है कि वन इज ग्रेटर देन क्यू एंड विच इज ग्रेटर देन जीरो आप मुझे बताइए कि यदि हम इसको q से डिवाइड करें q से डिवाइड करें q से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट निकलता है बताइए वन बाई क्यू इज ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो बोलिए, बोलिए, बोलिए। इसका मतलब क्या निकलता है वन माइनस वन बाई क्यू इज लेस देन जीरो is less than स वन बाई क्यू लेस देन जीरो दैट मीनस नेगेटिव इसका मतलब क्या less than zero और quantity one क्या था हमने पहले निकाला था क्वांटिटी वन क्या था ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या निकला quantity वन टर देन क्वान्टिटी क्वान्टिटी वन क्या निकला था ग्रेटर देन जीरो ए पॉजिटिव क्वान्टिटी एंड क्वान्टिटी टू क्या निकला नेगेटिव क्वान्टिटी तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर रिलेशनशिप क्लियर बोलिए कैसा लगा शानदार क्वेश्चन थे कि नहीं एल जबरा मैं पढ़ने के लिए कहता हूं तो एल पढ़ेंगे तो मेंस के क्वेश्चन और आरबीआई ग्रेड बी में तो प्री के क्वेश्चन आपको दूसरे स्टूडेंट से हमेशा आगे रखें ओके मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा आप देखते रहिए और रात में नौ बजे रोज लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें अभी मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है एंजॉय कीजिए बाय